डोर्सी वेंट्रल लीफ की बात करते हैं, जब लीफ की एनाटॉमी की बात करते हैं तो एक चीज हमें कॉमन देखने को मिलेगी कि लीफ एक फ्लैटेंड स्ट्रक्चर है. बिल्कुल, लीफ एक फ्लैटेंड स्ट्रक्चर है. और जब रूट और स्टेम को देखते हैं तो ये सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स हैं. हाँ बिल्कुल सर, इनकी सर्कमफेरेंस पे एपिडर्मिस है, लेकिन फ्लैट होने के कारण इसमें एक अपर एपिडर्मिस होगी और एक लोअर एपिडर्मिस. तो ऐसा रूट और स्टेम में नहीं होता है, जबकि लीफ में मिलता है, देखने होता है. और लीफ का जब देखेंगे कि अपर और लोअर एपिडर्मिस के बीच जो एंटायर टिश्यू है दैट इज कॉल्ड मेसोफिल. मेसोफिल बस वैस्कुलर बंडल को छोड़ दीजिए, वो उसके अंदर सैंडविच है, बीच में अवेलेबल है, जहां जहां पर आपको वेंस नजर आ रही है. तो अपर एपिडर्मिस हो या लोअर एपिडर्मिस, हाँ, दोनों एरियल फेस है और तो इसका मतलब उस पर क्यूटिकल प्रेजेंट होगी. और सेल्स ऑफ एपिडर्मिस को अगर डिस्कस करें यहां पे हम, तो सेल्स ऑफ एपिडर्मिस पेरेनकाइमेटस है, एपिडर्मिस हमेशा पेरेनकाइमेटस होती है और यूजुअली वन सेल थिक, वन सेल थिक है, इसका मतलब यूनिसीरियट है, वन लेयर है. कुछ एक्सेप्शन देखने के लिए मिल जाते पर हम यूजुअली कहेंगे कि एपिडर्मिस जो होती है लीफ के अंदर वो वन सेल थिक मिलती है, यूनिसीरियट किस्म की हमको ऑब्जर्व होती है सर. बिल्कुल सर. और अगर नंबर ऑफ स्टोमेटा, स्टोमेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सर, ये देखिए यहाँ पे गैसियस एक्सचेंज जिसका मेन फंक्शन है, लेकिन जो वाटर लॉस ट्रांसपीरेशन में होगा वो भी मेनली फोलियर स्टोमेटा के थ्रू होता है. बिल्कुल सर. लीफ के लिए एक टर्म हम यूज करते हैं कि एक प्लांट की जितनी ग्रीन लीव्स है उनको फोलियज कह देते, फोलियज कह देते हैं अपन. तो फोलियस का मतलब लीव पर जो स्टोमेटा है उसको फोलियर स्टोमेटा, फोलियर स्टोमेटा. बिल्कुल सर. और अब अगर हम लोग यहां पे देखें स्टोमेटा का नंबर, तो ये थोड़ा सा वेरी करेगा. स्टोमेटा मोर ऑन लोअर सरफेस एंड स्टोमेटा ऑन अपर सरफेस आर एब्सेंट और लेस इन नंबर. तो इसका मतलब स्टोमेटा का नंबर अपर और लोअर सरफेस पे डोर्सी वेंट्रल लीफ में डिफर करता है, डिफर करता है. और ये इस वजह से भी है कि ये जो लीव्स होती हैं ये अपने स्टेम से लगभग 90 के एंगल पर प्रोजेक्ट करती हुई होती है. बिल्कुल सर. तो अपर सरफेस पर लाइट पहुंचेगी, लाइट सीधी आएगी तो वाटर लॉस ज्यादा होगा. तो सर मिनिमाइज करने का एक तरीका है कि वो अपनी लोअर एपिडर्मिस के ऊपर इन्होंने अपने स्टोमेटा को डेवलप कर रखा है. हाँ, क्योंकि स्टोमेटा का होना तो जरूरी है गैसियस एक्सचेंज के लिए. तो एक एडेप्टेशन आ गया कि स्टोमेटा अपर सरफेस होने पर बजाय लोअर सरफेस पे ज्यादा नजर आए, तो अपर सरफेस पे या तो एब्सेंट होंगे तो बहुत ही कम मिलेंगे देखने के लिए. यस सर. और अगर आप देखें सर टीएस को, तो ऐसा नहीं कि लीफ जो है डायकॉट की डॉर्सी वेंट्रल बाहर से नजर आ रही हो. अगर पान की लीफ को देखें या पीपल की लीफ को देखें तो एक सरफेस जो है ज्यादा गहरा हरा होता है. बिल्कुल सर. एक कम हरा होता है. बिल्कुल. वो जो डिस्टिंक्शन है सिर्फ बाहर की मॉर्फोलॉजी में नहीं है, वो अंदर मॉर्फोलॉजी में भी देखने के लिए मिलता है, ये अंदर भी अवेलेबल है. क्योंकि जो अपर और लोअर एपिडर्मिस के बीच में जो टिश्यू है जिसका नाम हम बोल रहे हैं मेसोफिल, अब ये डोर्सी वेंट्रल लीफ में डिस्टिंग्विश्ड है. बिल्कुल सर. डिस्टिंक्ट है. हाँ. जैसे यहां पर अगर हम देखें अपर एपिडर्मिस के बिल्कुल क्लोज में जो मेसोफिल है, तो ये कॉलमनर सेल है, कॉलम जैसी फिटेड टूगेदर और बहुत क्लोज है एक दूसरे के, फिटेड टूगेदर कॉम्पैक्टली, और इनमें क्लोरोप्लास्ट का अमाउंट भी ज्यादा है. इसी वजह से ऊपर से अगर विजुलाइज करेंगे तो ये शायद ज्यादा गहरी नजर आएगी. बिल्कुल सर. और स्टूडेंट्स को एक कंफ्यूजन रहता है एडेक्सियल और एबेक्सियल में, तो एडेक्सियल अपर सरफेस है. हाँ. और एबेक्सियल लोअर सरफेस है. पहले तो इसको ये याद रखें. अब बात आती है वेंट्रल और डोर्सल अप्लाई करने की. तो जो यहां पर एडेक्सियल सरफेस हम देख रहे हैं जी, तो वो सरफेस वेंट्रल है, वेंट्रल है, और जो एबेक्सियल है वो डोर्सल है, डोर्सल है. देखिए लीफ जब ओरिजिनेट हुई होगी, मान लीजिए ये एपेक्स है. यस सर. उस एपेक्स पर लीफ प्रिमोर्डिया ऐसे बनी है ना. ये जो सरफेस है, ये जो साइड है, ये प्लांट की ओर है ना, ये हो गया इसका वेंट्रल. तो जब लीफ ओपन हुई बेटा तो इस तरीके से ओपन हुई, ऊपर की ओर रह गया, तो ये वेंट्रल हो गया और लोअर पार्ट जो है वो डोर्सल. एक और तरीका है एबेक्सियल और एडेक्सियल को लर्न करने का. देखिए नीचे बेस, और बेस में भी बी है और एबेक्सियल में भी बी है, ऐसे भी आप कैच कर सकते हैं. बिल्कुल सर, बिल्कुल. ये एबेक्सियल पकड़ लिया तो एडेक्सियल तो आप निकाल ले जाएंगे इजीली. बिल्कुल. एक तो फिर उल्टा हो ही जाएगा, उल्टा हो जाएगा उसका सर. तो इसका मतलब एबेक्सियल डोर्सल लोअर ये सिनोनिम्स की तरह काम होंगे, की तरह काम करते हैं. और एडेक्सियल वेंट्रल और अपर ये सिनोनिम्स की तरह काम करेंगे. हम यूजुअली अपर और लोअर कहकर के इंडिकेट करेंगे ताकि कोई कंफ्यूजन यहाँ पर ना है. लेकिन एनसीईआरटी एडेक्सियल एबेक्सियल लिखती है, इंडिकेट करती है. ऑप्शन में एडेक्सियल एबेक्सियल आने के चांस ज्यादा है. बिल्कुल ज्यादा है.
तो बात हो रही थी मिजोफिल के डिफरेंशिएशन की। जी सर। तो मिजोफिल दो पार्ट में डिस्टिंक्ट है। जी अगर पार्ट ये वाला देखें जो अपर एपिडर्मिस के क्लोज है जी, तो सेल्स आर कोलुमनर, कोलम जैसी कॉलमनर सेल्स है, क्लोजली पैक्ड। यस फिटेड टुगेदर है। और अगर जो लोअर एपिडर्मिस की तरफ जो मिजोफिल जी देखें सर, तो सेल्स आर क्वाइट ओवल राउंडेड स्फेरिकल आइसोडायमेट्रिक, आइसोडायमेट्रिक बोल देते हैं, इस प्रकार की सेल्स देखने और को इनके मिलती बीच है। में इंटरसेलुलर स्पेस वेरी वेल डेवलप्ड। बिल्कुल सर। तो दोनों को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो शेप का डिफरेंस जी है बिल्कुल सर, और इंटरस्पेस का डिफरेंस है, प्लस बिल्कुल अमाउंट या वॉल्यूम ऑफ क्लोरोप्लास्ट का भी भी डिफरेंस डिफरेंस देखने के लिए है। मिलता है। यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट का नंबर ज्यादा ज्यादा है, है यहाँ पे इनमें, कम क्लोरोप्लास्ट कम का मिलेगा, नंबर नहीं कम कम है। मिलेगा। तो क्लोरोप्लास्ट ज्यादा होंगे तो ये डार्क ग्रीन दिखेगा, क्लोरोप्लास्ट कम है तो ये थोड़ा लाइट ग्रीन तो दिखेगा। ऊपर की ओर यहां पर लाइट सीधी आ रही है, लाइट का एक भी फोटोन वेस्ट ना हो, बिल्कुल तो ऊपर की ओर पहले से पैरेन्काइमा अरेंज कर दी है और नीचे की ओर यहाँ पर स्टोमेटा लगाए ताकि वाटर लॉस को मिनिमाइज किया वाटर जा लॉस को सके। मिनिमाइज किया जा सके और इंटरस्पेस नहीं होने के कारण, स्टोमेटा का नंबर कम होने के कारण एक फायदा यह भी होगा कि ऊपर वाली सरफेस से वाटर का लॉस कम कम हो होगा। पाएगा। और जब बात होती है जीरो फाइट्स की तो उनमें थिक क्यूटिकल होती है जो भी वाटर लॉस को प्रिवेंट करती है करती है, बिल्कुल सर, और कई बार वैक्सी हेयर्स भी होते हैं अवेलेबल है उनके ऊपर, तो बिल्कुल है, वो भी वाटर लॉस लॉस को को कम करते प्रिवेंट हैं, करते मिनिमाइज हैं। कर देते तो हैं इसका हम। मतलब क्यूटिकल का होना, वैक्सी हेयर्स का होना या हेयर्स का होना, तो ये सब चीजें वाटर लॉस को प्रिवेंट करती हैं। सो इफ यू सी द स्ट्रक्चर ऑफ डॉर्सल वेंट्रल लीफ, यहाँ पर ऊपर और नीचे की ओर अपर और लोअर लोअर एपिडर्मिस अवेलेबल एपिडर्मिस बिल्कुल है, सर, रेफर्ड एज एडेक्सियल एंड अबेक्सियल एडेक्सियल एपिडर्मिस और वेंट्रल एंड डॉर्सल एपिडर्मिस। अपर एंड लोअर दोनों पर ही क्यूटिकल की लेयर अवेलेबल है, लेकिन मेनली हम देखें तो स्टोमेटा जो है वो लोअर लोअर एपिडर्मिस पर सरफेस पे। अवेलेबल है। सच काइंड ऑफ लीफ इज ऑल्सो नोन एज हाइपोस्टोमेटिक लीफ। बिल्कुल सर, और इसके अलावा आप देखें तो एपिडर्मिस चाहे ऊपर हो या नीचे की ओर हो, वो वन सेल थिक ही मिलती है दिखने के लिए। ये जो लीफ में वर्ड काम मिले डॉर्सो वेंट्रल लीफ, ये डॉर्सो वेंट्रल न सिर्फ बाहर से देखने पर है, लीफ को देखें तो एक सरफेस गहरा हरा होता है, एक कम गहरा हरा होता है, बिल्कुल ग्रीन तो सर, दोनों सरफेस होते हैं, डॉर्सो वेंट्रल है। और डॉर्सो वेंट्रल फ्लैट है, ये जो स्ट्रक्चर है ये न सिर्फ बाहर से डॉर्सो वेंट्रल है, टीएस काट के देखें तब भी हमको डॉर्सो वेंट्रल ही नजर आता है। बिल्कुल सर, अपर एपिडर्मिस की ओर देखा जाए तो यहाँ पर पैलिसेड मेसोफिल अवेलेबल है, जो कि लॉन्ग कॉलमनर टाइटली पैक्ड सेल से मिलकर के बना हुआ है, जिनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेसेस कम अवेलेबल है और क्लोरोप्लास्ट का अमाउंट ज्यादा है, और वही शायद यहाँ पर इफेक्टिवली लाइट को एब्जॉर्ब करना उससे कंसर्न है। गहरा हरा रंग भी इसी वजह से आता है। लोअर सरफेस पर देखा जाए तो यहाँ पर आपको स्पॉन्जी मीजोफिल मिलेगा दिखने के लिए, जिनके बीच में लार्ज वेल डेवलप्ड एयर कैविटी अवेलेबल है। यहाँ पर ओवरऑल देखा जाए तो एज कंपेयर टू दिस पैलिसेड मीजोफिल, यहाँ पर ओवरऑल जो क्लोरोफिल का अमाउंट है हमें कम देखने के लिए मिलता है। अब बात करते हैं यहाँ पर अंदर की ओर अवेलेबल वेस्कुलर बंडल के बारे में। बिल्कुल सर। वेस्कुलर बंडल को अगर हम यहां पे डिस्कस करें तो वेस्कुलर बंडल चाहे मोनोकोट लीफ हो या डाइकोट लीफ, जी सर, तो ये वेस्कुलर बंडल जो देखने को मिलेंगे वो कॉन्जॉइंट होंगे, कोलेटरल कॉन्जॉइंट, कोलेटरल, होंगे और क्लोज्ड होंगे। क्लोज मिलेंगे। हम लोग एंडार्क एग्जैक्ट वर्ड ये रूट स्टेम के लिए तो ठीक है, लीफ के लीफ के लिए यूज कॉन्टेक्स्ट में नहीं काम करते लेते हैं, नहीं है बिल्कुल नहीं लोग। लेते हैं सर। तो वेस्कुलर बंडल कॉन्जॉइंट है, कोलेटरल है, क्लोज्ड है, जी सेकेंडरी ग्रोथ लीफ में कभी भी नहीं होती नहीं है, होती है, तो बिल्कुल इसका मतलब ये हुआ कि ऑलवेज क्लोज्ड ऑलवेज क्लोज्ड, और सेकेंडरी ग्रोथ है नहीं है, इनकी, नहीं जी एब्सेंट सर होती है। बिल्कुल। तो ऐसे हमें वेस्कुलर बंडल देखने को मिलते हैं। अब बात आती है साइज ऑफ वेस्कुलर बंडल की। तो साइज ऑफ वेस्कुलर बंडल जो होती है वो डिपेंड करती है साइज ऑफ वेन वेन पे। पर जैसे आप इस लीफ को देखो, ये मेन वेन है इसकी, मिडरिप बोलते हैं जिसको, ये थोड़ी सी ज्यादा बड़ी है, थिक है, ठीक है, इसमें जो वेस्कुलर बंडल आएगा वो साइज में बड़ा बड़ा होगा। होगा, और जब जैसे ये लेटरल वेन है तो लेटरल वेन कंपेरेटिवली मेन वेन से थिन थिन है, है, तो वेस्कुलर तो बंडल भी वेस्कुलर बंडल छोटा छोटा होगा, मिलेगा देखने के और लिए। बाद में जो वेनलेट्स होगी हाँ, उनका और भी उनका स्मॉल, और भी छोटा होगा। तो जैसे अगर लीफ का टीएस ऐसे कट किया जी तो इसमें ये वेस्कुलर बंडल भी आएगा हाँ, और लेटरल वेन का भी आएगा, और हो सकता है किसी वेनलेट का भी आ वेनलेट का जाए। भी आ तो जाए, आपको तीन अलग अलग साइज के वेस्कुलर बंडल ऑब्जर्व करने को मिलेंगे। यहां पर जो होगा वो सबसे लार्ज होगा, फिर लेटरल स्मॉल, वेन में स्मॉल होगा, फिर स्मॉल, वेनलेट स्मॉल, का और भी स्मॉल, स्मॉल होगा। तो
तो यहां पर जो आपको मिडरिब रीजन में जो वेस्कुलर बंडल देखने को मिलेगा वो काफी बड़ा देखने को मिलता मिलेंगे है। देखने के लिए इनके बाहर एक हमें एक पेरेन्काइमा की बनी हुई बंडल शीट देखने बंडल शीट मिलती है। बिल्कुल सर, बंडल शीट की तो जब बात करते हैं तो मोनोकोट स्टेम में बंडल शीट है हाँ, जो कि स्क्लेरेन्काइमेटस था फाइब्रस हाँ बिल्कुल सर। और यहां पर अगर देखें ये वाला पोर्शन तो पेरेन्काइमा की बनी है, पेरेन्काइमेटस बंडल शीट बिल्कुल सर, पेरेन्काइमेटस बंडल शीट हमें देखने को मिलता है। और जो मिडरिप का वेस्कुलर बंडल है उसके दोनों तरफ ये हमें पेरेन्काइमेटस एक्सटेंशन देखने को मिलता है, ये कोलेनकाइमेटस भी होता है, सकता है मैकेनिकल स्ट्रेंथ यस सर टेंसाइल स्ट्रेंथ देगा प्रोवाइड करने के लिए। तो मोनोकोट लीफ को जब ऑब्जर्व करेंगे तो ये वाला पार्ट स्क्लेरेनकाइमेटस होगा और डाइकोट लीफ में देखेंगे तो या तो पेरेनकाइमेटस और या फिर कोलेनकाइमेटस कोलेनकाइमेटस मेनली पेरेनकाइमेटस देखने के लिए मिलता है। हाँ मेनली पेरेनकाइमेटस बट कोलेनकाइमेटस भी हो सकता है, तो वो हमें यहाँ पर एक एक्सटेंशन देखने को मिलेगा। और अगर वेस्कुलर बंडल को हम देखें तो जाइलम हमेशा ऊपर की ओर और फ्लोएम हमेशा लोअर एपिडर्मिस की ओर देखने के लिए। ये पूछा भी जाता है कि जाइलम है वो एडेक्सियल साइड की तरफ है या एबेक्सियल साइड की तरफ है, कॉमनली पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो अगर कभी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो जाइलम की जो साइड हमें बतानी है वो एडेक्सियल और फ्लोएम की जो साइड बतानी है वो एबेक्सियल या लोअर या डॉर्सल। अगर हम कंपेयर करें एक डॉर्सिवेंट्रल लीफ को आइसोवाइलेटरल लीफ से तो काफ़ी हद तक सिमिलरिटीज हैं। वेस्कुलर बंडल के जो डिज़ाइन आप देखते हैं उसमें सिमिलरिटी देखने के लिए मिलती है, पर कुछ बातें अलग हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर हम देखें दोनों और क्यूटिकल अवेलेबल है, यहाँ पर भी वही टर्म अप्लीकेबल है, अपर एंड लोअर एपिडर्मिस, वेंट्रल एंड डॉर्सल एपिडर्मिस, एडेक्सियल एंड एबेक्सियल एपिडर्मिस टर्म्स वही है। तो अपर और लोअर एपिडर्मिस यहाँ पर अवेलेबल है, दोनों पर ही हमें थिक क्यूटिकल देखने के लिए मिल जाती है और दोनों ही सरफेसेस पर यहाँ स्टोमेटा अवेलेबल है। इट इज एम्फी स्टोमेटिकली इक्वल नंबर मिलता है देखने के लिए। और अगर हम देखें तो यहाँ पर अपर और लोअर एपिडर्मिस के बीच में जो आप देख पाते हैं ये मीजोफिल, इस मीजोफिल में कोई डिस्टिंक्शन नहीं है उस डॉर्सिवेंट्रल लीफ की तरह। डाइकॉट लीफ देखी आपने, उसमें ऊपर की ओर तो पैलिसेड पेरेन्काइमा अवेलेबल था, नीचे की तरफ स्पॉन्जी था, यहाँ पर तो एक जैसी आइसोडायमेट्रिक सेल्स अवेलेबल है और क्लोजली पैक्ड है, यूनिफॉर्म। इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेसेस नजर नहीं आते हैं, कम नजर आते हैं और जहां पर भी अवेलेबल है ये सब स्टोमेटल कैविटी बनाते हुए हैं। ये रही यहां पर अवेलेबल सब स्टोमेटल कैविटी जो स्टोमेटा के थ्रू बाहर से कनेक्टेड है, ये गैसेस एक्सचेंज हो सके बस इतने भर के लिए यहां पर ये जो स्ट्रक्चर है इंटरसेलुलर स्पेसेस यहां पर देखने के लिए मिलते हैं। बाकी आप देखें तो यहाँ पर कुछ केसेस के अंदर हमको ऊपर की ओर ये जो हम अपर एपिडर्मिस देखते हैं, इस अपर एपिडर्मिस के अंदर हम ऑब्जर्व करते हैं कि कुछ सेल्स जो होती है वो डिफरेंट है, वो फूली हुई है, वो मोटी है। बिल्कुल सर, दी सेल्स आर रेफर्ड एज मोटर सेल्स या वुलीफॉर्म सेल्स कहकर के भी हम लोग इनको इंडिकेट कर सकते हैं। ये यहाँ पर मोटर सेल्स, सभी मोनोकॉट के अंदर मोटर सेल्स अवेलेबल नहीं है, कुछ सेमोफाइट ग्रासेस घास जो ऐसी घासेस जो कि हमारे बालू मिट्टी में उगने वाली हैं वहां पर वैसे वाटर की स्कार्सिटी मिलती है, पोआ है, एमोफिला है, एम्पेक्ट्रा है, एल्सोफिला है, इनमें हमको देखने के लिए मिलता है। आप अगर ऑब्जर्व करें तो इन ग्रासेस की एडेक्सियल एपिडर्मिस के ऊपर मोटर सेल्स अवेलेबल है। लीफ मान लीजिए बिल्कुल स्ट्रेट है, ऊपर की एपिडर्मिस पर मान लीजिए मोटर सेल्स हैं और वो फुली हुई हैं, हम देखें तो कलरलेस होती है, कलर तो है नहीं, लार्ज वैक्यूल है, लार्ज है, एम्प्टी पानी से भरी हुई मान लीजिए और ये बिल्कुल टर्जिड है यहाँ पर। लेकिन जैसे ही पानी की कमी आती है ये फ्लसिड हो जाएंगी और लीफ जो है वो अपनी एक्सिस पर ऐसे ही कर्ल कर जाएगी। अब कर्ल करने से फायदा क्या हुआ, जो ऊपर के स्टोमेटा यहाँ पर अवेलेबल हैं, उनका एक्सपोजर कम कर दिया, कम हो गया बिल्कुल। और जब उनका एक्सपोजर कम हो गया तो वाटर का लॉस भी कम हो जाता है यहाँ पर। तो वो उस एनवायरनमेंट में है जहाँ पर वाटर की स्कार्सिटी है, पानी की कमी हुई नहीं, तो उसे कम और मिनिमाइज करने के लिए वाटर लॉस को इस तरीके से एक एडजस्टमेंट, एक अडाप्टेशन इन सेमोफाइटिक ग्रासेस में देखने के लिए मिलता है। सब में तो खैर नहीं है ये, बिल्कुल सर। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर डाइकोट लीफ से मिलती जुलती है।
लेकिन अगर हम लोग यहां पे देखेंगे तो अपर और लोअर एपिडर्मिस को डिफ्रेंशिएट करना थोड़ा मुश्किल है। डिफरेंस है, लेकिन मुश्किल है। कलर भी एक जैसा है, स्टोमेटा का नंबर दोनों में अवेलेबल है, थिकनेस अवेलेबल है। यस सर, लेकिन जब मोटर सेल्स होगी तो डिफरेंशिएट कर पाएंगे, क्योंकि मोटर सेल्स है वो केवल हमें ऊपर जो एडेक्सियल एपिडर्मिस है उसी में देखने को मिलेगी। टीएस हो हमारे पास तो टीएस में हम कह सकते हैं कि यहाँ भी जाइलम जो होता है वो अपर एपिडर्मिस की ओर होता है, तो हम देख के भाई हाँ ही अपर एपिडर्मिस। बिल्कुल, बाकी बाहर से थोड़ा मुश्किल ही होता है, मुश्किल होता है। आइसोबाइलेटरल आइसोबाइलेटरल लीफ है, लीफ आपके सामने अवेलेबल, बड़ा मुश्किल कह पाएंगे। मिजोफिल डिफ्रेंशिएटेड नहीं है पेलिसेड और स्पॉन्जी के अंदर, तो यूनिफॉर्म मिजोफिल है। बिल्कुल सर, यूनिफॉर्म मिजोफिल है। बिल्कुल, वेस्कुलर बंडल की अगर बात करें तो वेस्कुलर बंडल एज यूजुअल वैसे ही है जैसा डाइकोट लीफ के अंदर होते हैं, कॉन्जॉइंट है, कोलेटरल है और क्लोज्ड है। तो इन ऑल एंजियोस्पर्म लीफ, वेदर दे आर मोनोकोट और डाइकोट, देयर वेस्कुलर बंडल्स आर कॉन्जॉइंट, कोलेटरल एंड क्लोज्ड। जाइलम की पोजीशन की बात करेंगे तो टुवर्ड्स एडेक्सियल होगा, फ्लोएम की बात करेंगे तो टुवर्ड्स एबेक्सियल होगा। एक और डिफरेंस यहां पे विजिबल होता है कि जो एक्सटेंशन था डाइकोट लीफ के अंदर वो यूजुअली पेरेन्काइमेटस था, समटाइम कोलेन्काइमेटस था, लेकिन जब मोनोकोट की बात करेंगे तो दिस एक्सटेंशन इज स्क्लेरेन्काइमेटस इनवेरिएबली। यस सर, बिना किसी एक्सेप्शन के ये स्क्लेरेन्काइमेटस होगा। और अगर मोनोकोट की लीफ को अगर हम फोल्ड करें तो वो टूट जाती है, उसमें कोई टेंसाइल स्ट्रेंथ नहीं है, लेंथ वाइज वो इजीली टूट सकती है। yes, और ड्राई हो जाए तो तोड़ना और भी आसान है उसको। बिल्कुल सर, वो स्क्लेरेन्काइमा है तो वो मैकेनिकल स्ट्रेंथ तो रखता है लेकिन टेंसाइलिटी नहीं होती है। अच्छा, मोनोकॉट की लीफ एज कंपेयर टू डाइकॉट लीफ यूजुअली लॉन्ग मिलेगी देखने के लिए। इंटरकैलेरी मेरिस्टेम जो डिस्कस हुआ था, वो लेंथ जो होती है उस लेंथ को सपोर्ट करने के लिए आई थिंक स्क्लेरेन्काइमा की नीड है। यस सर, जरूरी है यहाँ पर होना। और वेनेशन को लेके बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि जो ये डायग्राम हम देख रहे हैं लीफ का, तो इसमें जो वेन्स हैं दे आर पैरेलल, इसमें हमें पैरेलल वेन्स देखने को मिल रही है। तो यहां पर जो मिड्रिप है वो देखने को मिलेगी, बिल्कुल सर, और मिड्रिप से जो वेन्स निकलेगी वो पैरेलल होगी एक दूसरे के, तो इसका मतलब रेटिकुलम जैसी स्ट्रक्चर कम बनती है। तो जो अगर डाइकॉट लीफ में हम देखें तो सेंटर में लार्ज वेस्कुलर बंडल है, उसके बाद स्मॉल वेस्कुलर बंडल आया, वेनलेट का और भी कम छोटा स्मॉल, तो एक साइज अलग अलग है। लेकिन इसका टीएस हम काट के देखें, यानी मतलब सर ये मतलब हुआ कि यहाँ पर जो वेस्कुलर बंडल होंगे उनकी साइज नियरली लगभग सेम मिलती है देखने के लिए। मिड्रिप का थोड़ा सा बड़ा होगा, बड़ा होगा, वो पैचेस भी होंगे उसके ऊपर, लेकिन ज्यादा डिफरेंस नहीं है, मोरलेस बराबर है। वो डाइकॉट की तरह नहीं कि बीच में जो मिड्रिप है उसका वेस्कुलर बंडल तो लार्ज और फिर डिक्रीज करती हुई, ऐसा नहीं। तो यहाँ पे जो ऑलमोस्ट वेस्कुलर बंडल्स होंगे वो सेम साइज के देखने को मिलेंगे, लेकिन टाइप की बात करेंगे तो कॉन्जॉइंट होगा, कोलेटरल होगा, क्लोज्ड होगा, नियर सिमिलर साइज। ठीक है, जो मेन वेन का है वो थोड़ा सा बड़ा देखने को मिलेगा, बाकी अगर देखेंगे तो लगभग सिमिलर साइज के देखने को मिलेंगे। और वेस्कुलर बंडल को हम देखें अगर मोनोकॉट के अंदर हम लोग, तो कुछ प्लांट्स ऐसे भी हैं जिनमें कि हमको यहाँ पर जो वेस्कुलर बंडल को कवर करती हुई बंडल शीथ है मोनोकॉट के अंदर, ये तो पेरेन्काइमा की बनी हुई होती है C3 प्लांट्स के अंदर, पर C4 प्लांट्स के अंदर उसी पेरेन्काइमा की बनी हुई क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोप्लास्ट डेवलप कर जाता है, क्लोरेन्काइमेटस बंडल शीथ वहां पर अवेलेबल, क्रांज एनाटॉमी हम कहते हैं। और C4 प्लांट की उस मेटाबॉलिज्म के लिए या C4 साइकिल के लिए एक एसेंशियलिटी की तरह भी है। बिल्कुल सर, उनके फोटोसिंथेसिस का पार्ट है वो, पार्ट है। लेकिन अगर जब क्रांज एनाटॉमी की बात होती है तो उसका टेक्सोनॉमिक सिग्निफिकेंस नहीं है, क्योंकि एग्जांपल मोनोकोट भी होंगे और डाइकोट भी होंगे। हाँ, ज्यादा एग्जांपल मोनोकोट के हैं, लेकिन डाइकोट के भी एग्जांपल क्रांज एनाटॉमी में देखने को मिलते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब प्लांट में क्रांज एनाटॉमी होगी तो ये बात सेकेंडरी हो जाएगी कि उसकी लीफ डोर्सी वेंट्रल है या आइसोबाइलेटरल है। काम की बात यह कि क्रांज एनाटॉमी है, उसके वेस्कुलर बंडल को कवर करती हुई बंडल शीथ के अंदर क्लोरोप्लास्ट अवेलेबल है, C4 साइकिल है वहां। यस सर, क्योंकि इन जनरल जब हम बात करते हैं तो डाइकोट लीफ डोर्सी वेंट्रल होती है और मोनोकोट लीफ आइसोबाइलेटरल होती है, लेकिन जब कोई प्लांट मोनोकोट है या डाइकोट अगर वो क्रांज एनाटॉमी रखेगा तो उसमें क्रांच एनाटॉमी के अकॉर्डिंग एनाटॉमिकल फीचर्स देखने को मिलेंगे। उसका मिजोफिल डिफरेंशिएटेड नहीं होगा, चाहे वो प्लांट डाइकोट ही क्यों ना हो, अगर उसमें क्रांच एनाटॉमी है तो वो चीज वहां पर देखने को मिलती है। फिर बात करते हैं एपिस्टोमेटिक लीफ की, नाम से ही क्लियर हो रहा है कि
एपी यानी अबोव स्टोमेटा यानी स्टोमेटा, यानी लीफ की अपर सरफेस पे स्टोमेटा प्रेजेंट है और लोअर सरफेस पे नहीं है, उसको बोलते हैं एपिस्टोमेटिक लीफ, फ्लोटिंग लीफ। यस सर, अगर कोई फ्लोटिंग लीफ को हम देखेंगे तो एक सरफेस वाटर के कॉन्टेक्ट में है और दूसरी सरफेस एयर के कॉन्टेक्ट में है, तो अगर गैसियस एक्सचेंज करना है एयर से तो स्टोमेटा शुड बी ऑन अपर सरफेस। तो यहां पे स्टोमेटा जो होंगे वो एडेक्सियल सरफेस पे देखने को मिलेंगे। दिस इज कॉमनली सीन इन लोटस, दैट इज निलंबियम, विक्टोरिया रेजिया और निम्फिया, ये सारे फ्लोटिंग प्लांट्स है। यस सर, ये फ्लोटिंग प्लांट है और इनकी लीफ जो होगी वो एपिस्टोमेटिक लीफ देखने को मिलेगी। इसके बाद आता है हाइपोस्टोमेटिक, जस्ट इसका रिवर्स, हाइपो का मतलब नीचे वाली सरफेस पे स्टोमेटा हो। बिल्कुल, तो व्हेन स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन लोअर सरफेस, दैट इज मोस्टली डाइकोट लीव्स। हमने कुछ देर पहले बात की इसके बारे में, ये एक अपने आप में एडेप्टेशन है जिसके थ्रू वाटर लॉस को मिनिमाइज किया जा सकता है। यस सर, और अगर मान लीजिए से हम बात करें मोनोकॉट लीफ की, तो मोनोकॉट लीफ में दोनों ही सरफेस पर स्टोमेटा अवेलेबल थे। अगर लीफ में अपर और लोअर एपिडर्मिस दोनों पर स्टोमेटा अवेलेबल हो, इट मीन एम्फीस्टोमेटा, एम्फी मतलब की बोथ, बोथ दोनों सरफेस पर स्टोमेटा प्रेजेंट है। और अगर मान लीजिए जो लीफ है, जो प्लांट है, वो सबमर्ज्ड है वाटर के अंदर है, फॉर एग्जांपल हाइड्रला है, वेलिसनेरिया है, कंप्लीटली सबमर्ज्ड है, स्टोमेटा की जो इंपॉर्टेंस है वो एयर के कांटेक्ट में आने के बाद है, पानी में डूबे हुए स्टोमेटा काम नहीं कर पाएंगे, तो इन प्लांट्स की लीफ के अंदर स्टोमेटा नहीं होते हैं, होंगे, दे आर रेफर्ड एज एस्टोमेटिक लीफ।